السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तो प्यारे बहनों और भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको सलातुल तस्बीह के बयान के बारे में बताऊंगा। शबे बरात को नवाफिल की अदायगी का बड़ा सवाब है। शबे बरात की खसूसियात में गुजर चुका है कि इस रात जो शख्स नफल अदा करे, अल्लाह ताला उसे इनाम की सूरत में 100 फरिश्ते अदा फरमाता है, जो इसको आफात दुनिया, शैतानी वसवसों और इसके जहन्नुम से निजात का बाइस बनते हैं और इसके लिए जन्नत की राहें हमवार करते हैं। इस रात की एक और इबादत जिसे सलातुल खैर का नाम दिया गया है, इसका भी बड़ा अजर सवाब है। इसकी अदायगी का तरीका गनियतुल तालबीन में मौजूद है। शब बरात को आम मुसलमान जिस नमाज को बड़ी रगबत से पढ़ते हैं, इसे सलातुल तस्बीह के नाम से मौसूम किया जाता है। हदीस पाक में इसकी बड़ी फजीलत आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को मुखातिब करके फरमाया, ऐ मेरे चचा, क्या मैं आपकी खिदमत में गिरा कतर अतिया एक कीमती तोहफा पेश कर दूं? क्या मैं ख़ास बात बता दूं? क्या मैं आपको इसकी 10 खसूसियात से आगाह करूं? जब आपको इसको करेंगे तो आपके तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा, अगले भी और पिछले भी, पुराने भी, नए भी, भूल कर किए हुए भी और आमदन किए हुए भी, सगीरा भी और कबीरा भी और पोशीदा किए हुए और आलानिया के गए भी। ऐ चचा जान, अगर हो सके तो ये अमल रोज़ाना करें। हर रोज़ ना हो सके तो हर जुम्मे को सलातुल तस्बीह पढ़ लिया करें। अगर ये भी ना हो सके तो महीने में एक दफ़ा पढ़ लिया करें, और अगर ये भी ना हो सकिया करें तो साल में एक मरतबा ही पढ़ लिया करें। ये था सलातुल तस्बीह का बयान। अब मैं आपको सलातुल तस्बीह के तरीके के बारे में बताऊँगा। अहादीस मुबारका में सलातुल तस्बीह के दो तरीके बयान किए गए हैं। ज़ेल में वो तरीका बयान किया जा रहा है जो अहनाफ के नज़दीक मकबूल है। इस नमाज में एक ख़ास तस्बीह है जिसको इस नमाज के दौरान बार बार पढ़ा जाता है। वो ख़ास तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। मैं अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्द बयान करता हूँ और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। सलातुल तस्बीह नफल नमाज है। ये 4 रकात है जिसमें 300 बार मस्कूरा बला तस्बीह पढ़ी जाती है। तरीका ये है कि सलातुल तस्बीह का इरादा करने वाला 4 रकात की नियत करे, अल्लाह अकबर से नमाज का आगाज़ करे, सबसे पहले सना पढ़े, सना के बाद मस्कूरा तस्बीह 15 मरतबा पढ़े, फिर ताउस तस्मिया पढ़े, बाज़ारा सूरतुल फातिहा और कुरान मजीद के किसी तलावत और कुर्रत के बाद और रकू से पहले 10 मरतबा तस्बीह पढ़े, फिर रकू करे, सुन्नत के मुताबिक रकू की ख़ास तस्बीह सुभान रब्बी अल अज़ीम पढ़े और बाद में 10 मरतबा मस्कूरा तस्बीह पढ़े, फिर कोमा में 10 मरतबा तस्बीह पढ़े, फिर सजदा में सुन्नत के मुताबिक पहले सजदे की तस्बीह सुभान रब्बी अल अज़ीम अल आला पढ़े, इसके बाद 10 मरतबा मस्कूरा तस्बीह पढ़े, फिर जलसे में यानी दोनों सजदे के दरमियान 10 मरतबा तस्बीह का विर्द करे और आखिर में दूसरे सजदे के दौरान सुबहान रब्बी अल आला के बाद ये तस्बीह पढ़े। ये कुल 75 तस्बीहात हो जाएंगी। इसके बाद बकिया रकातें इसी तरह अदा की जाएंगी। अलबत्ता बकिया 3 रकात का आगाज़ ही तस्बीहात से होगा क्योंकि इसमें सना नहीं पढ़ी जाती। नमाजी जैसे ही पहले रकात से खड़ा होगा तो पहले 15 मरतबा तस्बीह का विर्द करे और इसके बाद रकात को मस्कूरा बिला तरीके से मुकम्मल करे। हर रकात में जब 75 बार पढ़ेगा तो यूं 4 रकातों में तस्बीहात की तादाद 300 पूरी हो जाएगी। पहली रकात सना के बाद 15 मरतबा, कुर्रात के बाद 10 मरतबा, रकू में 10 मरतबा, कोमा में 10 मरतबा, पहले सजदे में 10 मरतबा, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान 10 मरतबा, दूसरे सजदे में 10 मरतबा, कुल 75 मरतबा। दूसरी रकात कुर्रत से पहले 15 मरतबा, कुर्रत के बाद 10 मरतबा, रकू में 10 मरतबा, कोमा में यानी सजदा में जाने से पहले 10 मरतबा, पहले सजदे में 10 मरतबा, जलसा में 10 मरतबा, दूसरे सजदे में 10 मरतबा, कुल 75 मरतबा। तीसरी और चौथी रकातें दूसरी रकात की तरह पढ़ी ही जाएंगी। ये वो तरीका है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायत किया है।
ہاں آپ کے ہاں یہی طریقہ معتبر ہے، امام ترمذی نے اسے باب صفہ صلاۃ النبی میں بیان کیا ہے، نے صلاۃ التسبیح کا دوسرا طریقہ بھی اس باب میں بیان کیا گیا ہے، اگر اس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھی جائے تو یہ بھی سنت کے مطابق ہوگی۔ تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ نے اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کریں۔ تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔